नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। इस समय तो आप अपने टेरेस गार्डन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका टेरेस फुल ब्लूमिंग पर होता है और यही वो टाइम होता है जब तकरीबन हर शहर में फ्लावर शोज, फ्रूट शोज, वेजिटेबल शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कई बार कुछ वजहों की वजह से हम वो इवेंट्स मिस आउट कर देते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ही फ्लावर शो में, जहां आपको बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ मिल जाएंगे अपने टेरेस को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए। इस शो की एक ये खासियत है कि NCR में कम से कम जितने भी बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़रूर इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिलता है। इस शो में हम ना ही सिर्फ अपने बड़े गार्डन पार्टिसिपेशन वालों को वेलकम करते हैं, मगर आजकल के हालात देख के जहाँ पे बैल्कनी गार्डन्स या टेरेस गार्डन्स होते हैं उन लोगों को भी वेलकम करते हैं, ताकि वो देख सकें कि कम स्पेसेस में भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा गार्डन हो तभी आप फूल या पौधे लगा सकते हैं। इनफैक्ट बैल्कनीज में तो आजकल सब्जियां लगाने का भी शौक शुरू हो गया है। तो हम लोग एक ये फोरम देते हैं कि जिसमें सब लोग आके देखें, डिस्प्लेस डिफरेंट डिफरेंट तरह से बनाए जाते हैं, जो जिसको सूट करता है, जैसे जिसकी पॉकेट की सूटेबिलिटी हो उससे वो अपना कर सकें। जगह जगह से फूल लाते हैं यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए और सब वैरायटी के, क्योंकि ये वसंत ऋतु है, वसंत का में फूलों की बहार होती है। डालियाज हैं, पेटूनियाज हैं, सब तरह के पौधे, एनुअल्स, पेरिनियल्स, सब डिस्प्ले पे आते हैं। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग आते हैं और पूरा नोएडा ही नहीं, दिल्ली के लोग भी यहाँ पे आके फूलों की बहार का मज़ा लेते हैं। और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के, कुछ फ्लावर्स के, कुछ फोलियज के, फ्लावर अरेंजमेंट्स के, कट फ्लावर्स के, लैंडस्केपिंग के, गार्डन्स के, बहुत तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और सबको ही प्राइज़ दिया जाता है और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और जितने रंग सतरंगी भी क्या गई उससे भी ज़्यादा रंग के फूल यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं। और डेलियाज के साइजेस देखिए, पेटूनियाज के बुशेज देखिए, बहुत अमेजिंग कलेक्शन है। ये फ्लोरिकल्चर सोसाइटी के मेंबर्स का डिस्प्ले एरिया है। डिस्प्ले एरिया में स्पेशल क्या है कि 90% कंट्रीब्यूशन लेडीज़ का है। नारी शक्ति का प्रदर्शन आप अगर सही रूप में देखेंगे तो यहाँ है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ज़्यादातर मेंबर्स 90% लेडीज़ हैं। सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी, सब लोग लेडीज़ हैं। ये उनकी पावर का, उनकी क्षमता का, उनकी टैलेंट का प्रदर्शन है। यहाँ जितने आप 90% प्लांट देख रहे हैं ये उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। कुछ लोग हाउसवाइफ्स हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं और सबने अपने टैलेंट का, प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया है। ये प्लांट ला करके डिस्प्ले किए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू, एक होता है ना, अपना क्रिएशन एग्जिबिट करने के लिए मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है और इससे बढ़िया एक्चुअली और कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं दिखा, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ घर पे करते रहते हैं एंड उसका समझ में नहीं आता कि कैसे उसको, अपने आप को हम प्रेजेंट करें, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे दिखाएं। एंड ये पहली बार है जो कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन को एक ट्रे गार्डन में उतारा है और ये ट्रे गार्डन मैंने छत पर रखी हुई है एंड बहुत हार्डी प्लांट्स हैं इसके अंदर और बेसिक रबड़ के टॉयज बाज़ार से ख़रीद के इसको बनाया गया है। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी कि मैं जब तंजानिया गई थी तो वहाँ पे इतना खूबसूरत मुझे नज़ारा लगा कि आई वॉज सो इंस्पायर्ड, तो माई दिस ट्रे गार्डन इज़ इंस्पायर्ड बाई तंजानिया सफारीज़।
आजकल हमारे घरों में जगह की कमी होने के कारण कई लोग सोचते हैं हम गार्डनिंग नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जैसे लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद एक दो गमले ही रखेंगे, उससे ज़्यादा हमारे को कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं दिखाना चाहूँगी कि पीछे ये जो हमने अरेंजमेंट किया है, ये एक बालकनी में आप अपना एवरग्रीन प्लांट्स से कैसे एक सुंदर सा अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप जो प्लांट्स रखे हुए हैं देखेंगे इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, ये शेड में भी काफ़ी देर चलते हैं और आपको एक गार्डन की ही लुक देते हैं, जिससे आपको ग्रीननेस और आप सोचिए कि पोल्यूशन से थोड़ा सा हेल्प करेंगे। यहाँ पे बहुत ही वैरायटी है और एक्चुअली मेरी जो छत है उसमें इतनी स्पेस कम है, तो यहाँ पे देख के मुझे आइडियाज़ आए हैं बहुत सारे कि क्या क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे लगता है सबको आना चाहिए इस फ्लावर शो में, देखना चाहिए कि कितनी वैरायटी और कितनी मेहनत से लोग यहाँ काम करते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। मंडियों का हाल। कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए इस फ्लावर शो को थोड़ा और एक्सप्लोर करें। जब मैं हस्बैंड के साथ इधर उधर घूमती थी पोस्टिंग में इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें मेरा हस्बैंड होते थे, तो हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा गार्डन मिलता था और बहुत सारे मालियाँ भी मिलता था। तो हम लोगों में जो गार्डन बनाने का और उसको डिस्प्ले करने का, पार्ट लेने का एक इच्छा था, वो हम बहुत अच्छी तरह पूरी कर सकते थे। नाउ वी कांट डू इट। आफ्टर रिटायरमेंट वी हैव ओनली अ फ्लैट जहाँ पर एक टेरेस ही हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन इच्छा जो है और जो यू नो द हिडन पैशन जो हमारे अंदर है, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं उस टेरेस में। इट्स नॉट डिफिकल्ट। आई वांट टू टेल ऑल माय फ्रेंड्स दैट इट्स वेरी इजी, और इफ़ यू हैव योर पैशन फॉलो इट विथ योर हार्ट। तो हम ये इतना बड़ा बड़ा गमला सब हम छत के ऊपर चढ़ाया और उसमें उसका सॉयल, उसका पानी, उसका खाद वगैरह रेगुलेट किया और सीज़न में सीड्स बनाया, उसको उगाया, छोटा से बड़ा हुआ,
फिर कल ही आया, फिर वो खेला। तो लास्ट दो तीन साल में हम ये शुरू किया और ये देख के हमको लगा कि हाँ ये हो सकता है। पिछले 6 महीने से ही मैंने प्लांट्स लगाना शुरू किया है और आज मेरे घर में कई सारे प्लांट्स हैं। मेरे पास 2 छोटी-छोटी बैल्कनीज हैं, मैंने बस उसी में लगाए हैं। और मैं तरह तरह की सब्जियां, सैलड लीव्स, मटर, गाजर और प्याज वगैरह सब कुछ घर में अपने लगाती हूँ। और क्योंकि मुझे और नॉलेज गेन करने का मन करता है इसके बारे में, तो इसीलिए मैंने आज ही फ्लोरिकल्चर में अपना मेंबरशिप शुरू कर लिया है, जिससे कि अगले साल मैं चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा अपने घर में सब्जियाँ, फूल वगैरह लगा सकें। ये एक छोटा सा वाटर बॉडी क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। ये छोटे टब्स हैं लोटस के, वाटर लिलीज के, जिसको आप अपनी बालकनी में भी ग्रो कर सकते हैं। टब्स है जो छोटा सा 2 फीट गहरे एरिया में या 3 फीट चौड़े एरिया में आप एक छोटा सा पॉन्ड अपने गार्डन्स में बना सकते हैं और इसको फाउंटेन लुक दे करके आप अच्छा सा एक स्वरूप दे सकते हैं। और आप बुद्धा की स्टैचू या किसी भी शिव भगवान की स्टैचू दे करके इसको एक अपना ट्रेडिशनल लुक भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देहरादून से आई हुई हूँ, मैंने ये देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से फूलों के अलावा अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, जैसे फूलों को अरेंज किया है। सो मैं कोशिश करूँगी अपने घर में इसको फॉलो करने की। ये सामने एक अरेंजमेंट है अपना कैक्टाई और सक्यूलेंट वैरायटी से, टेबल पे ही उन्होंने अरेंजमेंट किया है, जिसमें थोड़े थोड़ी जगह में उन्होंने काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के सक्यूलेंट्स लगाए हैं। अब ये सक्यूलेंट्स सिर्फ ग्रीन ही नहीं रहते, उनके सीज़न पे आने में इनमें छोटा फ्लावर भी रहेगा। तो आप देखिए कि किस तरह गार्डन एक्सेसरीज़ को यूज़ करते हुए उन्होंने कॉमन सक्यूलेंट प्लांट्स की भी एक लुक बहुत बढ़िया बना दी है। ये आपके सामने है, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, भले बालकनी के गार्डन में रखिए अपने बालकनी में या छोटे से पैटियो में। इससे इतनी अवेयरनेस नोएडा में आ गई है कि लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर अपने गार्डन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। लोगों को प्लांट्स के बारे में पता चला है, लोगों को पता चला है कि कौन से प्लांट्स लगाने से हम पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं अपने एरिया को, एनवायरनमेंट को। ये सेक्शन वेस्ट से क्रिएटेड है, सारा वेस्ट मटेरियल जैसे आप देख सकते हैं, वेस्ट पाइप से उन्होंने स्टैंड बनाया है, टायर्स में उन्होंने प्लांटेशन किया है, एम्प्टी बॉटल्स के हैं तो उसमें उन्होंने मनी प्लांट उगाया है, डिस्कार्डेड जो कप्स हैं उसमें उन्होंने सकलेंट्स उगाए हैं। तो उन्होंने सारे वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स बना करके एक अलग ही शोभा दिया है। इस फ्लावर शो में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ हमें लेना पड़ रहा है एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूल, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो वो हमारा पैशन बन जाता है। न केवल टेरेस गार्डनर्स बल्कि कुछ कंपनीज भी ऐसी होती हैं जो कि एनवायरनमेंट में अपना 100% कंट्रीब्यूट करती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं किसी कंपनी के एक ऐसे ही इंस्पायर्ड एम्प्लॉय से। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में फैसिलिटी मैनेजर हूँ। फ्लोरस सोसाइटी से जुड़ने के बाद हमारा पर्यावरण और फूलों के प्रति रुचि बढ़ी, तो फिर हमने अपनी कंपनी में ही फूलों का सीडिंग, प्लांटिंग एंड ऑल द थिंग्स स्टार्ट किया। प्लस हमने अपने साथ साथ हमने अपने एम्प्लॉयज़ को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया। अब हम अपनी कंपनी में फूल अपनी कंपनी के अंदर ही एक प्रेमाइसिस में उगाते हैं, वहीं पर लगाते हैं और वहीं पर हम अपने एम्प्लॉयज़ अपनी बिल्डिंग की सुंदरता बढ़ाते हैं। साथ साथ हमने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का भी एक नया अध्याय शुरू किया है। हम अपनी कंपनी के अंदर ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाते हैं, वो सब्जियां फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अकॉर्डिंगली हम अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करते हैं, उनको सिखाते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम फॉर द सीडिंग एंड व्हाट्स द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग देम, सो दैट कि एक ऑर्गेनिक हम ताकि हमारा मेन एम है कि पर्यावरण के लिए काम करो और अपने लिए काम करो। पर्यावरण के लिए काम करने के लिए हम पेड़ उगाते हैं, अपने लिए काम करने के लिए हम अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाते हैं और वही हम खाते हैं। बोनसाई एक जापानी कला है जहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उनको हम छोटे तरीके से नेचर इन मिनेचर फॉर्म में रखते हैं। बोनसाई का मतलब है कि शैलो कंटेनर में जो पेड़ हम ग्रो करते हैं। आजकल जैसे हमारे इंडिया में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ रही हैं और लोग अपना प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं और उनके पास जगह नहीं है कि हम कहाँ पर पौधे या पेड़ की वो देखें, तो वो इन पौधों को अपने छत पर आराम से लगा सकते हैं। इसी तरह से जो बोनसाई है इसको हम कहते हैं कि शैलो कंटेनर्स में जो प्रकृति का आनंद हम बाहर जाके नहीं ले सकते, लोग हिल स्टेशंस में जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं? इसीलिए कि हम प्रकृति का आनंद लें। तो ये आनंद हम घर में बैठे बैठे भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम छोटे जो कंटेनर्स हैं उसके अंदर हम पेड़ लगा सकते हैं और इस प्रकार के कई प्रकार इसकी शैली हैं कि जिस तरह से हम प्रकृति में पेड़ को देखते हैं उसी तरह से हम अपने घर में भी उसको ग्रो कर सकते हैं और टाइम टू टाइम हमको उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है कि उसको हम छोटा रखें। इस तरह से जड़ों को भी उसके हमें छोटा रखना पड़ता है। तो ये जो हमारे यहाँ जो भी जिनके पास जगह की कमी है वो लोग इनका आनंद ले सकते हैं। आज इन प्लांट्स का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है कि जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, वो जंगल और सीमेंट और स्टील के जंगल बनते जा रहे हैं, तो जगह कम होती जा रही है। तो उसका क्या एक यही विकल्प है कि हम इन प्लांट्स को
देखें, इनको इनके बारे में सोचें। आप अपने पेड़ घर पे पीपल का पेड़ तो नहीं लगा सकते, पिलखन का पेड़ तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये प्लांट्स ऐसे हैं जो आराम से आप लगा सकते हैं। समय समय पर इनकी कटिंग करते जाइए, ये प्लांट अपने आप चलते जाएंगे। कहा गया है कि दादी उगाए और पोते देखें, ये इतने इतने साल 50-50, 100-100 साल चलते हैं ये, तो दादी तो चली जाती है लेकिन उसके पोते जो हैं वो देखते रहते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, ये इतने साल जीवित रहते हैं, तो इसलिए हमें इनके साथ जुड़े रहना चाहिए। ये एक अलग तरह का आर्ट है कि जिसका हम आनंद अपने घर में बैठ के भी उखाड़ सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं, छत पर भी रख सकते हैं और इनसे हम लाभ उठा सकते हैं। बड़ा है ये फ्लावर शो और इतना कुछ है इस फ्लावर शो में कि एक एपिसोड में इसे कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये फ्लावर शो कंटिन्यू रहेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में भी, तो देखना ना भूलें बिल्कुल भी छत पर बागवानी का अगला एपिसोड। फिलहाल के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।